नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का आगाज अब कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच 9 अप्रैल को खेला जाएगा। सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अपनी तैयारियों के बीच में टीम इंडिया के टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने आईपीएल को लेकर एक खुलासा किया है। दरअसल चेतेश्वर पुजारा की लंबे समय बाद आईपीएल में वापसी हुई है। इस बार उन्हें ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ शामिल किया, लिहाजा पुजारा इन दिनों आईपीएल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच पुजारा ने खुलासा किया कि वो गुजरात लायंस के लिए खेलना चाहते थे, हालांकि तब उनको ऑक्शन में किसी टीम ने नहीं खरीदा, जिस वजह से वो काफी निराश हुए थे। क्रिकबस पर एक इंटरव्यू के दौरान चेतेश्वर पुजारा ने बताया कि वो गुजरात लायंस के लिए खेलना पसंद करते। उन्होंने कहा, जब मेरा चयन नहीं हुआ था तब मैं काफी निराश हुआ था, लेकिन वो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। अगर मैं उस टीम का हिस्सा होता तो काफी अच्छा होता। हालांकि अब ये चीजें बीत चुकी है और मैं इनसे आगे निकल चुका हूँ। आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा 7 सीजन के बाद आगामी आईपीएल सीजन में वापसी करेंगे। उन्हें आईपीएल 2021 के लिए एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में खरीदा था। लंबे समय बाद आईपीएल में शामिल किए गए पुजारा दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि उन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका मिले। अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या चेन्नई की टीम उन्हें प्लेइंग 11 में मौका देती या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।